दोस्तों क्रेडिट ब्यूरो को लेकर आ रही तमाम शिकायतों के मद्देनजर आरबीआई ने अब इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे लगाम लगाने की फाइनली तैयारी कर ली है और इसी के मद्देनजर ये 26 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग के साथ इसी सर्कुलर के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो क्या कुछ कहा आरबीआई ने इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेकर, क्या कुछ नए नियम निकाले हैं, क्या ये जो नए नियम आए हैं वो हम सभी ग्राहकों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप लोग का भी कभी सिविल या फिर क्रेडिट स्कोर को लेकर कोई कभी शिकायत रही है तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां कार्यरत है। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से ट्रांस यूनियन सिविल है, इसके साथ ही इक्विटेक्स है, एक्सपीरियन है, सीआरआईएफ हाई मार्क है। तो ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो कि सिविल वगैरह का काम देखती है। तो ये जो रूल आरबीआई ने नया निकाला है इसमें सभी प्रकार के कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, इसके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे लिस्ट में आप देख लीजिए इन सभी बैंक, ये सारे ही बैंक शामिल हैं एक्सेप्ट पेमेंट्स बैंक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए आरबीआई का ये जो सर्कुलर है काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल इजिएस्ट वे में और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला रूल ये बनाया गया है कि अब अगर कोई भी लोन देने वाली कंपनी, एनबीएफसी या फिर बैंक, जो लिस्ट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ना, उन लिस्ट में से कोई भी कंपनी अगर आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है तो वहां पे सबसे पहले इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का यह दायित्व तो बनता है कि आपको सूचना प्रदान करें ईमेल के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि सिविल स्कोर चेक किए जाने की सूचना, क्रेडिट रिपोर्ट चेक किए जाने की सूचना इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ग्राहकों को देनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नियम की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर कोई ग्राहक कभी भी इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को डाटा करेक्शन को लेकर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो अगर बाय चांस उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है तो भी इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का यह दायित्व तो बनता है कि उस ग्राहक को कारण बताए, यानी कि पर्टिकुलर रीजन बताए कि आखिर किस रीजन के कारण उसका रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट किया गया है, जिससे उस ग्राहक को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि आखिर वो रीजन क्या था जिसके कारण उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही सभी कारण यानी कि रीजन की एक लिस्ट बनाकर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सेंड करना पड़ेगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को। इसके साथ ही अब सभी क्रेडिट कंपनियों को साल में कम से कम एक बार फ्री में और फुल क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सभी ग्राहकों को। इसके लिए सभी क्रेडिट कंपनियों से बोला गया कि वो साल में कम से कम एक बार एक लिंक प्रोवाइड करें अपने वेबसाइट पे, जहां पे ग्राहक यानी कि कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके आराम से अपनी सारी क्रेडिट सिविल स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री पता कर पाए फ्री में और फुल क्रेडिट रिपोर्ट। ओके, तो ये काफी अच्छा स्टेप लिया गया है आरबीआई की तरफ से। दोस्तों नेक्स्ट रूल में तो आरबीआई ने कमाल ही कर दिया है। तो अगर कोई ग्राहक कभी भी डिफॉल्ट करता है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी करता है तो रिपोर्ट करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा कि रिपोर्ट करने से पहले पर्टिकुलर उस ग्राहक को एसएमएस और ईमेल के जरिए इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी कर रहा है या फिर लोन का डिफॉल्ट कर रहा है। तो इसकी सूचना सबसे रिपोर्ट करने से पहले ग्राहकों को देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने सभी बैंक, एनबीएफसी, लोन प्रदान करने वाली कंपनियों को क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर से संबंधित आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नोडल अफसर को भी नियुक्त करने की सलाह दी है। इसके साथ अगर आप लोगों ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर कभी भी कोई कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं और उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर यानी कि एक महीने के भीतर नहीं होता है तो नेक्स्ट मतलब प्रतिदिन के हिसाब से ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। और इसके लिए लोन देने वाली संस्थाओं की जाए उसमें एनबीएफसी आ जाए या फिर बैंक आ जाए उसको 21 दिन का टाइम दिया गया है। साथ ही क्रेडिट ब्यूरो को यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को 9 दिनों का टाइम दिया गया है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताना साहब, मैंने आप लोग को आरबीआई के सर्कुलर में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे ना क्रेडिट ब्यूरो को लेकर वो सब कुछ आप लोग को लगभग बता दिया। फिर भी अगर आप लोग डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हो तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हो। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स
बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करना। वैसे तो मेरी नजर में तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है RBI की तरफ से। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो भाई जानकारी और इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक बटन ठोक डालो। इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर इस जानकारी को जरूर कर देना। और इस चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।